मोबाइल में अधिकांश गेम खेलने का पसंद करता है बच्चों से। पहले की तुलना बहुत ज़्यादा कम हो गई है और हमको लगता है कि आने वाले 10 साल में ये विलुप्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब ऐसा नहीं है, बस आदमी अब खाता पीता है, बस घर में ही सीमित रह जाता है। अथी गंगा किनारे नहीं जाते हैं उड़ाने के लिए पतंग, सब मने यहीं पर छत पर लेकर थोड़ा बहुत उड़ा लेते हैं। पतंग 5 रुपया 10 रुपया का मिला, एगो तागा 100 रुपया 500 रुपये 200 300 का तागा मिला, पहले 15 रुपया 20 रुपये में पूरा लटाई भर जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, मैं भी सिंह अभी मौजूद हूँ राजापुल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मकर संक्रांति का पर्व है जिसे हम दही चूरा से धूमधाम से मनाते हैं। चलिए, दही चूरा और तिलकुट तो हर एक मतलब मकर संक्रांति में ज़रूरी होती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले के ज़माने में हम मकर संक्रांति को पतंग उड़ाकर भी मनाया करते थे, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत कम हो गया है। पहले के बच्चे जो थे वो मतलब छत पे जाया करते थे और पतंग उड़ाया करते थे। आप देख सकते हैं पतंग की यहाँ पे दुकान लगी हुई है, यहाँ पे तरह तरह की पतंग लगी हुई है। तो जैसे कि बच्चों को जो पसंद आती है डोरेमोन की, तो डोरेमोन की मतलब यहाँ पे पतंग है, और भी छोटे छोटे कार्टून की मतलब पतंगे हैं। तो जैसा कि पहले के ज़माने में ये आप देख सकते हैं इधर लटाई है, तो ये लटाई में पहले आदमी पहले मांझा बनाते थे खुद से और पतंग उड़ाते थे और पतंगबाजी किया करते थे, पेच लहराया करते थे। तो लेकिन अभी के ज़माने में क्या हो गया है कि जब से डिजिटल युग में बढ़ा है ज़माना, तो कहीं ना कहीं अब पतंगबाजी देखने के लिए नहीं मिल पाता है, एक तरह से विलुप्त तो होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातें करूँगा इसके बारे में और पता करूँगा क्या अभी भी पतंगबाजी प्रचलन में है या नहीं। जी कहीं ना कहीं आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, लोग तो दही चूरा तो खाते थे, तिलकुट खाते थे और उसके बाद पतंगबाजी करते थे, कहीं ना कहीं अभी के समय में बहुत कम हो गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन पहले की तुलना में इस बार नहीं मतलब कुछ साल से काफ़ी कम हो गई है पतंगबाजी करना, और हर साल की तुलना में इस साल भी जितने पतंगबाजी बहुत कम हो रही है और कहीं ना कहीं मतलब ये विलुप्त होते जा रही है। पहले था क्या कि आदमी छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बच्चा तक, यहाँ तक बूढ़ा आदमी में मतलब उड़ाया करते थे गुड्डी, लेकिन अब बहुत कम हो गए हैं। कहीं ना कहीं जब से मोबाइल का प्रचलन मतलब कि डिजिटल युग जब से आया है, तब से पतंगबाजी देखने के लिए कम हो गई है। अब जितने बच्चे हैं कि आपने इधर हो गया फिजिकली गेम, ठीक है, आदमी सब आदमी जितना भी बच्चे हैं सब आदमी फ्री फायर पबजी खेलने के बीच मोबाइल में अधिकांश गेम खेलने का पसंद करता है बच्चे लोग, और आज पतंगबाजी भी समझे ना कि बहुत बड़े बड़े जो आदमी जैसे कि बड़े बड़े जो अपार्टमेंट में रहते हैं उन सब के बच्चे हैं कि आदमी ये सब अब बहुत कम उड़ाना पसंद करते हैं, जितना कि फ्री फायर खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं वो सब। कहीं ना कहीं अभी के ज़माने में जो पतंगबाजी जो पहले देखा जाता था अब खो चुकी है। खो चुकी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कही है कि पहले की तुलना बहुत ज़्यादा कम हो गई है और हमको लगता है कि आने वाले 10 साल में ये विलुप्त हो जाएगी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि बस कि किसी तरह आदमी को इस पतंग के जरिए मतलब ये आपको समझे कि एक तरह से ये काफ़ी फिटनेस की भी बात होती है कि आदमी पतंग कहीं ना कहीं ये पतंगबाजी पहले देखा जाता था कि लोग दही चूरा खाते थे, तिलकुट खाते थे, उसके बाद लटाई लेकर पतंग लेकर छत पे भागते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब ऐसा नहीं है, बस आदमी अब खाता पीता है, बस घर में ही सीमित रह जाता है। जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं अभी के ज़माने में तो पतंगबाजी देखने के लिए एक तरह से माना जाए तो विलुप्त हो चुकी है। सर इतना ना महंगाई के ज़माना हो गया ना, इसलिए आदमी पतंग उतंग छोड़ दिया, ये सब उड़ाना छोड़ दिया, सब कोई अपना काम धाम देख रहा है, अपना काम धाम रोजी रोजगार देख रहा है, इसलिए इस सब पर उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या मतलब महंगाई से पतंग का जो बिजनेस है उस पर भी मतलब कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? हाँ पड़ा है, पहले तो 4 निया 10 पैसा 20 पैसा का पतंग मिला, आप तो एगो पतंग 5 रुपया 10 रुपया का मिला, एगो तागा 100 रुपया 500 रुपये 200 300 का तागा मिला, पहले 15 रुपया 20 रुपये में पूरा लटाई भर जाता था, इसलिए थोड़ा कम हो गया है।
लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से माना जाए तो जो डिजिटल युग हुआ, जो मोबाइल का जो एक समय आया है, तो जो बच्चे हमें छत पे पतंग उड़ाए मतलब दिखा करते थे, अब वो फ़ोन में घुसे मिलते हैं। अब इसलिए फ़ोन में घुसे मिलते हैं कि अपना आराम से रजाई में घुस के अपना घर में बैठ के आराम से गेम वेम खेल रहा है लोग, टी वी वी देख रहा है लोग, आराम से अपना काम धाम कर रहा है लोग। तो जैसे कि ये तो हो गए लोगों से बातें, और जो पतंग का यहाँ पे जिनका दुकान है मैं उनसे भी बातें करूँगा। तो चाची जी, जैसे कि आज मकर संक्रांति है, एक तरह से देखा जाए तो पुराने समय में लोग दही चूरा खाते थे, तिलकुट खाते थे और लटाई और पतंग लेकर सीधे छत पे भागते थे, तो कहीं ना कहीं अभी के समय में ये चीज़ धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगी? ठंड के मौसम के लेकर के माने बहुत लोग माने कम माने लेते हैं, माने अति गंगा किनारे नहीं जाते हैं उड़ाने के लिए पतंग, सब माने यहीं पर छत पर लेकर थोड़ा बहुत उड़ा लेते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ कम हो गया, और लोगों का कहना है कि महंगाई के कारण भी अब धीरे 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 पतंगबाजी जो है वो कम होते हुए दिख रही है। महंगाई के लेकर तो नहीं हो रहा है, 2 रुपये 3 रुपये माने 5 रुपये तो बिक रहा है, महंगाई तो नहीं है। कहीं ना कहीं जो पहले, अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था, उन्होंने बताया पहले 4 आने 50 पैसे के पतंग मिला करते थे, अब वही पतंग जो है 5 रुपये के मिलने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई भी तो बढ़ी है। 5 के तो 2 मिल रहा है, अभी 5 का 1 भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं महंगाई पहले से तो अभी बढ़ी है। महंगी तो नहीं बढ़ा है, लेकिन महंगी भी है फिर भी तो लोग ले रहे हैं। तो ये महंगाई से आपके बिजनेस पे क्या असर आया? बहुत पहले से तो मैंने अच्छा ही मैंने कोई मैंने लेता है, कोई भी नहीं भी लेता है, महंगाई है फिर भी ले रहा है, उड़ाइए रहा है, लेकिन पहले से कम हो गई है। हाँ, पहले से थोड़ा कम। तो जैसा कि अभी आपने सुना, मतलब मकर संक्रांति सिर्फ दही चूरा और तिलकुट से ही नहीं, पतंगबाजी भी हुआ करता था पहले के ज़माने में, जो कि आजकल जो डिजिटल युग के कारण अब धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में एक तरह से विलुप्त भी हो जाएगा, तो हमें इसे अभी भी बचा के रखने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेसिंग विकास के सहयोगी विकास के साथ पटना।